नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र में चौहरहर गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा से जुटे अपराधियों में एक को पुलिस ने रविवार देर शाम छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी सीताराम सिंह इसी गांव का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने कट्टा और 9 गोली बरामद किया। SDPO दिलीप कुमार ने खरीक थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि सूचना मिली थी कि चौरहर गांव में कुछ अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हैं। इसके बाद एक पुलिस टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया गया। खरीक थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम चौरहर गांव पहुंची और चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई। पुलिस को देखकर गिरफ्तार अपराधी भागने लगे, लेकिन जवानों ने सीताराम सिंह को पकड़ लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 3-4 अपराधी भाग निकले। SDPO ने बताया कि सीताराम का आपराधिक इतिहास भी रहा है और पहले भी जेल जा चुके हैं। ऐसे जो खरीक पंकज कुमार है, आज सूचना के क्रम में इनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराध कर्मी अपने कई साथियों के साथ हथियार के साथ जुटा हुआ है, कहीं पर अपराध करने की योजना बना रहा है। इसकी सूचना जानकारी हम लोगों को दिए, बरिये को भी दिए, बल्कि बरिये में SP साहब की तरफ से एक टीम का गठन किया गया जो रेड करवाया गया। रेड के क्रम में बाकी लोग तो भाग गए, लेकिन एक व्यक्ति पकड़ा गया और जिसके पास से 9 गोली और एक देसी कट्टा बरामद हुआ। और इसके नाम पता पूछने पर पता चला कि ये तो पुराना अपराध कर्मी है, पहले के कई कांडों में ये गिरफ्तार होकर जेल गया हुआ है। हालांकि अभी इसके ऊपर में वांटेड वाला कोई नहीं है, बट एक अवैध हथियार के साथ ये पकड़े गए हैं, तो निश्चित रूप से ये कोई ना कोई क्राइम का योजना बना रहे हैं। अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है और इसमें टीम के जो सदस्य हैं, पंकज जो बड़ा बाबू है इस थाने के, इनके नेतृत्व में PSI बढ़िया काम किया है। और हम लोग चाहेंगे कि SP साहब से इस बात के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो हमारे PSI हैं अच्छा काम कर रहे हैं जिले में, और SHO है इनको रिवार्ड मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। और इनकी गिरफ्तारी से एक फ़ायदा होगा कि क्षेत्र में जो आम लोगों में दहशत का माहौल इनके खिलाफ था वो कम हो जाएगा और अपराधियों का मनोबल गिरेगा। इसके साथ कोई फरार भी हुआ है कि यही एकमात्र था? नहीं, अभी तो अंधेरे में हम लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ लोग जरूर थे जिसकी सूचना थी कि कई लोग हैं, लेकिन पकड़ा गया एक ही व्यक्ति। आगे के अनुसंधान में ये बात आएगी सामने कि और लोग थे कि नहीं थे, पूछताछ में इनके द्वारा ये नहीं बताया गया। बट जो हमारा अभी तक का आपराधिक इतिहास है, जो इनके खिलाफ में 3 आपराधिक इतिहास है, वो ये पुराने अपराध कर्मी रहे। ठीक।